पीड़ा जावे सारी है। श्रवण संस्कृति के अमर देवता, शासन के सम्राट, शासन पति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को भाव भरा वंदन, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद निरंतर सत्कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है, वे आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री हस्तिमल जी महाराज साहब का भावपूर्वक गुण स्मरण, हमारी जन जन की आस्था के केंद्र बिंदु, इस कलयुग में भगवान स्वरूप विराजमान आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री हीराचंद्र जी महाराज साहब, सभी संत और महासती वृंदों के पावन चरणों में सादर सविधि सविनय चरण वंदना, उपस्थित सभी धर्मानुरागी भाइयों, सुशील माताओं और बहनों, आप सभी को मैं प्रकाश जैन सादर जय जिनेन्द्र अर्ज कर। श्री महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले शिविरों की श्रृंखला में ये कोरोना काल में भी जहां लोग एक साथ इकट्ठे होकर के धर्म आराधना या ज्ञान आराधना करने से वंचित रह रहे हैं गत दो वर्षों से करीब करीब, उसमें संघ ने एक नया उपक्रम हमारे सामने दिया, घर बैठे हम कैसे शिविरों की रूपरेखा करके और कैसे धर्म के साथ लोगों को जोड़ सकें, और इसी दृष्टि से ये आज महाराष्ट्र स्वाध्याय संघ का 7 दिवसीय शिविर का पहला दिन है। आज पहले दिन में 2 क्लास दोपहर में हुई, जिसमें श्री त्रिलोक जी गोम के द्वारा गम्मा जैसा एक विशेष विषय जैन दर्शन के अंदर, जिसका भगवती सूत्र के अंदर वर्णन आया, उसका विवेचन किया गया। उसके बाद हमारे एक दूसरे एक अध्यापक भाई धर्मेंद्र जी जैन वीरवाल के द्वारा गुणस्थान द्वार का बहुत सुंदर विवेचन किया गया। तो ये क्रम सभी को म्यूट करने का बोलिए प्लीज। हाँ साहब, सभी म्यूट कर दीजिए। तो ये हमारा जो क्रम 7 दिन का रहेगा, तो हम लोग है कि अधिक से अधिक संख्या में इससे जुड़ करके और इसका लाभ लीजिए, शांति बनाए रखिए और उसके साथ में दीजिए। मुझे जो विषय दिया गया है आगम को लेकर के हमें चर्चा करें, हाँ साहब सभी शांति से बैठिए। हाँ, कहाँ से हो रहे थे? म्यूट हो गया सर। अच्छा, मेरा वापस कर लूं, अनम्यूट कर दूं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। वापस म्यूट करता हूँ जी। आ रही है आवाज अभी? हाँ, अब आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ हाँ सर, हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें आध्यात्म का विश्वकोश आगम, ये आज का हमारा विषय रहेगा। वैसे आगम जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है, यूं तो हर दर्शन का अपना अपना शास्त्रों के लिए अलग अलग शब्द आए हुए हैं। जैसे वैदिक धर्म के अंदर उनके जो धर्म शास्त्र है, मुख्य धर्म शास्त्र, उनको वेद कहते हैं। बौद्ध दर्शन वाले उनके धर्म शास्त्रों को त्रिपिटक कहा जाता है। जैन धर्म के शास्त्रों को आगम की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यूं तो आगम के अनेक नाम, पर्यायवाची नाम जिसे कहते हैं, वे हमारे यहाँ पर अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर आए हुए हैं। 10 नामों की चर्चा, आगम को हम और 9 नामों से किन किन नामों से पुकार सकते हैं और उसका हेतु क्या है, कारण क्या है, इसकी चर्चा भी अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर हमारे यहाँ पर आई हुई है। तो उसमें से जो 10 नाम बताए गए हैं आगम के पर्यायवाची, संक्षेप में उनकी चर्चा करके फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक हम जो शब्द हम प्रयोग में लेते हैं, जैसे आगम लेते हैं, सूत्र लेते हैं, शास्त्र लेते हैं, प्रवचन लेते हैं, ऐसे अलग अलग शब्द आते हैं, वही सब संकलित करके और यहाँ बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले कहा गया सूत्र। हम आगम को सूत्र कहते हैं।
सूत्र सुनाइए। महाराज साहब को निवेदन किया जाता है पर्युषण पर्व के अंदर आगम अंतगढ़ सूत्र का वाचन होता है, तो एक सूत्र भी आगम के लिए ही पर्यायवाची नाम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा श्रुत, श्रुत का मतलब जो सुना जाता है, हमारे यहाँ श्रुत ज्ञान आता है, जो हमने सुन सुन करके और अपने पूर्वजों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया है वो भी श्रुत के रूप में भी आगम को कहा जाता है। एक कहलाता है ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता है जो हमारी ग्रंथियों को तोड़ दे अथवा जिसको हम ग्रथित करते हैं सुव्यवस्थित तरीके से, तो वो ग्रंथ कहलाता है। फिर उसका एक नाम दिया गया है सिद्धांत, जो अंत तक सिद्ध रहते हैं, अपने आप में जो अपने विशेष महत्व रखते हैं, ऐसे सिद्धांत का वर्णन जिसमें होने से भी उसको सिद्धांत के रूप में भी आगम को हेलो हाँ सर आ रही आवाज, हेलो आ रही। जिनेंद्र भगवान ने जो बातें कही वे सारे हमारे ऊपर अनुशासन करने के लिए है, ये हमारी आत्मा कहीं दुर्गतियों में न भटक जाए उससे बचाने के लिए उन्होंने जो प्रतिपादन किया है वो भी अनुशासन या शासन के रूप में आगम का ही पर्यायवाची नाम कहा गया है। एक होता है उपदेश, भगवान के उपदेश में जो बातें आई है वे सारी बातें भी आगम के नाम से ही अभिहित की गई है। फिर इसके बाद आज्ञा, आज्ञा यानी आणायम आमगम धम्मम, भगवान ने जो आज्ञा में धर्म कहा है वो। फिर एक प्रज्ञापना यानी जो प्रगुपना की गई है वो प्रज्ञापना और आगम। ऐसे ये 10 पर्यायवाची नामों की चर्चा हमारे अनुयोग द्वार सूत्र में की गई है आगम को लेकर। तो हम कभी भी जो शब्द जिस तरीके का 10 में से काम में ले लें वो सब आगम के रूप में ही है। हाँ एक बात जरूर ध्यान में रखें कि कहीं कहीं ऐसा कहा जाए तो वहां ग्रंथों का अर्थ आगमों के ऊपर लिखे गए टीका ग्रंथों से रहा हुआ है, और यहाँ पर जो आगम के लिए ग्रंथ शब्द आया है वो उसको उस रूप में हमको समझना पड़ेगा, तो इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखें। आगम शब्द ही अपने आप में बहुत सारी चीजों को समाहित किए हुए हैं। आगम आप तो पुरुषों ने जो गम किया है, आप तो पुरुषों ने जो संपूर्णतया जाना है और जान करके जिन ग्रंथों के अंदर वो संकलित हुआ है उन ग्रंथों को आगम के नाम से पुकारा गया है। यूं तो हर आचार्य ने अपने अपने हिसाब से आगम को परिभाषित किया है, लेकिन आप तो पुरुषों का गम अनुभव वो मुख्य रूप से आगम के रूप में हम समझ सकते हैं। ऐसे वर्तमान में हमारे पास 32 आगम है, मंदिर मार्ग की संप्रदाय 45 आगम मानता है, तो हम 45 आगम माने या 32 आगम माने, उन आगमों के आधार पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के सूत्रों को भी निकाल सकते हैं और पूरी दुनिया की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हम कह रहे हैं कि अध्यात्म का विश्वकोश है, तो अध्यात्म की बात तो अलग करेंगे, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आगम में कोई भी आप में से अगर ये बताए कि अमुक विषय आगम के अंदर नहीं प्रतिपादित हुआ है, कोई भी विषय, यानी आगम जो है वैसे देखा जाए तो समुद्र की उपमा से उपमित किया जाता है, इसमें किसी भी विषय को छोड़ा नहीं गया है। ठीक है ये जरूर हो सकता है किसी विषय का विस्तार है और किसी विषय का संक्षिप्तीकरण किया गया है, लेकिन विषय कोई नहीं छूटा है। वो चाहे किसी भी तरह के विषयों की हम चर्चा कर ले, जैसे हम देखते हैं कि इसके अंदर में जैसे लोक परलोक, स्वर्ग नरक, इतिहास, भूगोल, खगोल, विज्ञान, गणित, जीव शास्त्र, भौतिक शास्त्र, फिर साहित्य में ले लो संगीत, कला, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्याय, दर्शन, छंद, अलंकार, व्याकरण, सूक्तियां, उपमा, रूपक, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, किस किस के नाम गिनाए कि जितने भी विषय हो सकते हैं उन सारे विषयों का आगम के अंदर वर्णन दिखाई देता है। इसलिए इसको केवल आध्यात्म का नहीं सभी विषयों का विश्वकोश कह दिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन हमारा विषय अध्यात्म को लेकर के होने के कारण से हम उसकी ज्यादा चर्चा करना चाहेंगे कि आगम में अध्यात्म कैसे भरा हुआ है। तो पहले ये समझना पड़ेगा ये अध्यात्म क्या है। शब्द परिचित शब्द है अध्यात्म,
आत्मा से अध्यात्म बनता है। संस्कृत में इसकी व्युत्पत्ति की जाती है आत्मनि इति अध्यात्मम। जो आत्मा के विषय में चर्चा है, आत्मा के विषय में जो बातें हैं, वे सब अध्यात्म कही जाती है। अध्यात्म सार नाम का एक उपाध्याय यशो विजय जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। अध्यात्म उपनिषद भी उन्होंने लिखा है, अध्यात्म सार भी लिखा है। उस अध्यात्म सार नाम के ग्रंथ में उन्होंने अध्यात्म की बहुत सुंदर परिभाषा की है। उस परिभाषा को हम इस तरह से हिंदी में शब्दों में समझ सकते हैं कि आत्मा पर मोह का आधिपत्य समाप्त होने पर, पहली बात कही, आत्मा पर मोह का, मोह राजा, उसका आधिपत्य समाप्त होने पर पहला काम यह रहेगा कि जो मोह का आधिपत्य उसको समाप्त होने के बाद उसकी जो आत्म केंद्रित शुद्ध क्रियाएं हैं, आत्मा की आत्म केंद्रित शुद्ध क्रियाएं, वे अध्यात्म कहलाती है। तीन बातें इसमें हाईलाइट हुई है। सबसे पहली, मोह का आधिपत्य समाप्त होने पर अध्यात्म की शुरुआत। मोह जितना जितना घटता है उतना उतना हमारे जीवन में अध्यात्म प्रकट होता है। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 32वें अध्ययन में जहां कहा गया कि दुखम हयम जसन होई मोह, कि जिसका मोह चला गया उसका दुख चला गया है, तो ये मोह जो है दुख का मुख्य कारण बताया है शास्त्रकारों ने। हम भी यहां इसी चीज को समझना चाह रहे हैं कि मोह का आधिपत्य अगर समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में वो आत्म केंद्रित बन जाता है, क्योंकि मोह के कारण से व्यक्ति पर केंद्रित बनता है, और मोह हटा कि आत्म केंद्रित बन गया। अब आत्म केंद्रित बनने के बाद जितनी भी शुद्ध क्रियाएं करता है, ठीक है, खाली क्रियाएं नहीं कही, शुद्ध क्रियाएं, शुद्ध क्रियाओं का मतलब जिन क्रियाओं में राग द्वेष का अंश मात्र भी नहीं होता, जो निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म की दृष्टि से जो क्रियाएं की जाती है, वे सारी क्रियाएं अध्यात्म कहलाती है। तो ये अध्यात्म की एक छोटी और सुंदर परिभाषा, हम इसको लेकर के ही आगे समझने का प्रयास करेंगे कि हम किस तरह से अपने जीवन में इस अध्यात्म को आगे लाएं, प्रकट करें, इसके स्वरूप को समझ करके। तो आगम के अंदर आत्मा को लेकर के और खूब चर्चा हुई। जैसे हमारा द्वादशांगी का पहला ही आगम जिसका नाम है आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र आत्मा की विस्तार से और गहराई से चर्चा करता है। उसके सूत्र बड़े सारपूर्ण है, बहुत छोटे छोटे हैं, लिंक भी कई बार बराबर नहीं बैठती है उनकी, इसलिए ऐसे जो ये सूत्र है उन सूत्रों को समझना बड़ा कठिन सा पड़ जाता है। लेकिन फिर भी भगवान की मूल वाणी आचारांग सूत्र, जिसका प्रथम श्रुति स्कंद विशेष रूप से सारे विद्वान उस बात में एकमत है और ये कहते हैं कि ये वास्तव में इसकी जो शब्द शैली है, इसकी जो भाषा है, उससे देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये तीर्थंकर भगवंतों की वाणी, गणधरों के द्वारा जो ग्रथित की गई सारपूर्ण, वो इस आचारांग सूत्र के अंदर हमको विशेष रूप से दिखाई देती है। तो सारे आगमों में भाषा का थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन वही बातें आई है जो आचारांग में आई है, वही अन्य आगमों में भी आई है, इसीलिए हमारे यहाँ आगमों को एक साथ इस रूप में मान्यता प्रदान की गई है। हम आचारांग की दृष्टि से ही अगर विचार करते हैं तो उसकी शुरुआती जो हुई है उसमें पहले ही सूत्र में यह कहा है कि कई लोगों को ये ज्ञान ही नहीं होता, को हम आसी, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, किस दिशा से आया हूं, इसका भान ही नहीं होता कई लोगों को। अर्थात जो जिसको भान होता है सोहम, वह मैं हूं, अर्थात वह आत्मा मैं हूं, अर्थात मैं आत्मा हूं जो ज्ञाता है। इसलिए आचारांग के अंदर कई ऐसे सूत्र दिए जहां कहा जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया, जो ज्ञाता विज्ञाता है वही आत्मा है, अर्थात जिसके अंदर ज्ञान रहा हुआ है वह आत्मा है। तो ज्ञान के साथ में इसको जोड़ा गया है, और ज्ञान जो है वो आत्मा से कभी पृथक नहीं होता, आत्मा का स्वभाव है। इसलिए मुख्यता से जहाँ कथन किया ज्ञाता दृष्टा भाव का, वहां कहीं ज्ञाता को लेकर के और मुख्यता से कथन कर दिया। तो ऐसी जो आत्मा है उस आत्मा के बारे में आचारांग सूत्र में बहुत सारे सूत्र आए, जे अजत्थम जाने से बैया जाने, जे बैया जाने से अजत्थम जाने, जो बाहर को जानता है वो अंतर को जानता है, कहीं कहीं कहा जो एगम जाने तो सबम जाने, जो एक पदार्थ को एक द्रव्य को जानता है वो सब द्रव्य को जान लेता है, आत्मा भी एक द्रव्य है,
तो उसको जानने वाला बाकी के सब द्रव्यों को जान लेगा। तो ऐसे जो सूत्र वहां पर आए हैं आचार्यांग सूत्र के अंदर, वे हमें ये बताते हैं कि हम अपने जीवन में इस आत्म तत्व का बोध करने के लिए ही हमारा पूरा प्रयास रहना चाहिए, और इसको इस तत्व को समझने के लिए हमारी पूर्व भूमिका के रूप में हम पहले, जैसे गुरु भगवान फरमाते हैं कि सबसे पहले हमें बाहर का भगवान नजर आना चाहिए, यानी अरिहंत और सिद्ध देव, अरिहंत भगवान जो हमारे सामने है वे हमें नजर आने चाहिए। वो बाहर के भगवान नजर आते हैं, हमारी उनके प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, उनके गुणों के प्रति ध्यान हमारा जाता है, तब फिर हमको ये विश्वास होता है कि मेरे अंदर भी वही आत्मा है जो इनके अंदर है, मैं भी अपना इसी तरह से विकास करके वहां तक पहुंच सकता हूं। तो वो खुद पर विश्वास जगता है और खुद साधना करके सारे जीवों में उसको भगवत तुल्यता का दर्शन होता है। उसको फिर ये महसूस होता है कि संसार के समस्त जीव, जो खाणांग सूत्र की भाषा में कहा जाए संग्रहने की अपेक्षा एगे आया, सारी आत्माएं एक है, क्योंकि सब में एक ही चेतना है, सब में एक ही उपयोग गुण है। तो उसकी अपेक्षा से सारे जीवों के प्रति उसके अंदर में एक आत्मोपम्य का भाव विकसित होता है, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कहीं कहीं पर आत्मा को व्याख्यायित करते हुए, जैसे भगवती सूत्र के अंदर जहां सामायिक के बारे में चर्चा आई, तो वहां का आया सामायिक सठ है, वहां पूछा सामायिक क्या है, तो सामायिक आत्मा ही सामायिक है, और आत्मा ही सामायिक का अर्थ है। अर्थात हम अपने आप में जब रहते हैं, आत्मा के अंदर रहते हैं, समत्व में रहते हैं, समता भाव के अंदर रहते हैं, वही सामायिक है और वही आत्मा है, यानी वह अभेद कर दिया आत्मा का और सामायिक का। और आचार्यांग सूत्र में ऐसा सूत्र भी आया हुआ है, समयाये धम्मे आयम, समता में भगवान ने धर्म कहा है, ये जो जिनेश्वर भगवानों का धर्म है वो समता के अंदर आया हुआ। और ये समता एक अपने आप में ऐसा शब्द है कि जिस शब्द के अंदर में इतनी विशालता रही हुई है कि इसमें सभी तरह की चीजों को शामिल किया जा सकता है। ऐसी साधना ये पहले गुणस्थान से प्रारंभ होकर के और 14वें गुणस्थान में परिपूर्ण होती है, और सिद्धों में भी इस समता का, यानी अपने स्वरूप में रहना, ये समता देखी जा सकती है। तो जिसकी शुरुआत साधन के रूप में है और जो साध्य के रूप में भी अंत में हो जाती है, ऐसी समता को भी वहां आत्मा के साथ में जोड़ा गया है कि आया सामाई सठे। हमारे यहाँ उत्तराध्ययन सूत्र जो भगवान की अंतिम देशना, अंतिम वाणी के रूप में हम बड़े आदर के साथ में उसको पढ़ते हैं, मानते हैं, वो सूत्र तो उत्तराध्ययन सूत्र में तो स्थान स्थान पर आत्मा को लेकर के चर्चा आई हुई है कि हम अध्यात्म को, अपने आप को समझे। अप्पा चेव दबे अव्वो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुही होई अस्सिम लोये परथये, यानी आत्मा का ही दमन कीजिए। दमन का मतलब होता है वश में करना, हम अपनी आत्मा का दमन करें, आत्मा को वश में करें। इससे करें तो वहां दिया संयमेण तबेण, संयम और तप, बस ये दो ही साधना है जिसको हम दूसरे सरल शब्दों में नव तत्व की दृष्टि से समर और निजरा कह सकते हैं। ये समर और निजरा यही संयम और तप है, और इससे ही हम आत्मा को भावित करते हुए विचरण करें। ये जगह जगह पर संतों के लिए जहां भी शास्त्रों में वर्णन आया है, भगवान का वर्णन आया या संतों के विचरण का वर्णन आया, तो वहां ये कहा गया कि वे संयमेण तप से अपाणम भावे मानवीयरी, वे अपनी आत्मा को संयम और तप से भावित करते हुए विचरण करते हैं। तो ये दो साधन है जिससे आत्मा को भावित करना है, और उसके माध्यम से आत्मा अपने उस शुद्ध स्वरूप की तरफ आगे बढ़ जाती है, उसको प्राप्त करने वाली बन जाती है। तो ये उत्तराध्ययन सूत्र तो ऐसा सूत्र है जिसके अंदर स्थान स्थान पर इसकी चर्चा हुई है। वहां कहा गया अपना सच्च में सेज्जा मित्तिम भूये सुकप्पय, के अपना सच्च में सेज्जा यानी आत्मा से ही सत्य का खोज, सत्य की खोज करो, ये सेज्जा सत्य को खोजो, जो सत्य है अर्थात जो परम सत्य है, उत्पाद वे ध्रुवे से युक्त तत्व है, वो तत्व आत्मा ही है, और उस आत्मा के का जो है अपना सच्च में से जो उस आत्मा से ही उस सत्य की खोज हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को, कई बार कहा जाता है, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को अगर किसी गार्जियन ने अपनी गोदी में लेकर के और उसको अपनी अंगुली की तरफ इशारा करके कहता है देख बेटा तुझे मैं आकाश में चंद्रमा दिखाता हूं, तो वो पहले कहता है देख मेरी अंगुली देख, फिर इसके बाद कहता है कि देख वो पेड़ दिख रहा है तुझे ऊपर, वो पेड़ देख,
फिर पेड़ के ऊपर देख क्या दिख रहा है आकाश में एकदम, तो उसको वो चंद्रमा दिखता है, वो चंद्रमा की किरणों से चंद्रमा को पकड़ता है। हम अपनी आत्मा को, जो आत्मा का ज्ञान गुण है, जो आत्मा में से निकलने वाली ज्ञान की किरणें हैं, उन किरणों के माध्यम से ही आत्मा को पकड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई कि हम अपनी आत्मा के साथ में जुड़ने के लिए अपना सच्चम एसेज्जा उसकी ऐसना करे और वो ज्ञान आत्मा के माध्यम से ही करे। जहां उत्तराध्ययन सूत्र के ही 9वें अध्ययन में जो चर्चा आई, जहां ये कहा गया कि एगे जिए जिए पंचे, वो 23वें अध्ययन में आया, और यहाँ पर आया पंचेन्द्रियाणी को हम माणम मायम तैव लोभम च दुज्जयम च एव अपाणम सबम अप्य जिए जियम। तो वहां अपना अपमानम चेब सुहम ए है ये, यानी आत्मा को आत्मा से जीत करके ही व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। तो आत्मा को कैसे जीतना, वहां आत्मा को जीतने के लिए उपाय बताए कि पहले आप 5 इंद्रियों को वश में कीजिए, फिर इसके बाद में आप क्रोध मान माया लोभ को जीतिए, और इसके बाद में आपकी दुर्जय आत्मा जो है वो आपके वश में हो जाएगी। ये स्थानकवासी परंपरा की, या जो भी परंपराएं अपने आप को भोगों से दूर हटा करके और संयम की तरफ ले जाने वाली है, वो पहले ये कहेगी भाई पहले इंद्रिय विषयों को आप कम करो, इंद्रिय के विषय कम होंगे फिर आप उनसे छूटेंगे, फिर उनके प्रति जो राग द्वेष का भाव है जिसे हम कषाय कहते हैं वो आपका कम होगा, और वो कम होने के बाद आपकी जो दुर्जय आत्मा है वो आपके वश में हो जाएगी। इसलिए ये यहाँ पर आत्मा को वश में करने के सूत्र दिए हुए हैं। तो ये मूल मुख्य जो विषय है आगमों का वो तो अध्यात्म ही है, आत्मा ही है। उस आत्मा की शक्तियों को पहचानना, उसके स्वरूप को पहचानना, बस उसके बाद में व्यक्ति उसमें रमणता की ओर अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। आचार्यान सूत्र की घासीलाल जी महाराज साहब की एक टीका है, संस्कृत टीका, जिसके अंदर उन्होंने जो है वो आत्मा का स्वरूप प्रतिपादित किया है। वैसे आत्मा का स्वरूप जितना विस्तार से समय सार ग्रंथ के अंदर में आचार्य कुंद कुंद ने जो बताया है, क्योंकि वो एक ही विषय का ग्रंथ है, इसलिए उसमें समय यानी आत्मा और आत्मा का सार क्या उसका वर्णन हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ पर आगमों के अंदर में किसी भी एक आगम के अंदर हमको ऐसा मतलब एक ही विषय का वर्णन अगर हम देखना चाहे तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन वर्णन तो खूब हुआ है, स्थान स्थान पर हुआ है, ये एक शैली का ही फर्क कहा जा सकता है कि इस तरह की शैली गई जिसमें आत्मा को और आत्मा को ऊंचा उठाने वाले जो उपक्रम है उन सब उपक्रमों को साथ लेकर के आगे बढ़ने की बात है। हम केवल आत्मा की बात करें और अगर हम उस आत्मा को मोह से जो हटाने वाले उपक्रम है उनके साथ नहीं जुड़े तो वो केवल शब्दों में आत्मा की व्याख्या हो जाएगी। इसलिए स्थानकवासी परंपरा, श्वेतांबर परंपरा विशेष रूप से इस बात के ऊपर जोर देती है कि हम वे सब शुद्ध क्रियाएं जिन क्रियाओं के माध्यम से हमारा मोह कम होता है और आत्मा का केंद्र की तरफ हम केंद्रित होते हैं, वे सब क्रियाएं जो है वे सब आध्यात्मिक क्रियाएं कहलाती है। इसलिए हम सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखना, पोषद, दया, संवर इनको टाल नहीं सकते। कई लोग ये कहते हैं कि ये तो क्रियाएं हैं, इनसे क्या होता है, हमको तो आत्मा को पाना है इसलिए आत्मा की बातें करना है, आत्मा की ही चर्चा करना है। चर्चा करना एक बात है, चर्चा करनी चाहिए, लेकिन चर्चा करके हमारे अंतर में उसके प्रति जो लगाव है, जो संसार के प्रति लगाव है, वो कम होना चाहिए। अगर वो कम हो रहा है तो निश्चित रूप से हम ये उसकी कसौटी मान सकते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ गए। अन्यथा तो बातें तो आत्मा की करूं, बड़ी बड़ी बातें करूं, और न मेरा खाने पर कंट्रोल है, न मुझे थोड़ी देर के लिए भी सर्दी गर्मी आदि जो प्रतिकूलताएं आती है वो भी सहन नहीं होती है, तो फिर हम केवल बातों से तो कुछ कार्य होने वाला नहीं है। तो हम उसके स्वरूप को भी समझें और उसके बाद में उसकी तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आचार्य घासीलाल जी महाराज साहब ने आचार्यांग सूत्र की जहां पहले अध्ययन की टीका की, उसमें जहां 4 शब्द आते हैं, ये आयावाई, लोयावाई, कम्मावाई, क्रियावाई, उसमें जो आयावाई है आत्मवादी, उसकी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की। आत्मवादी कौन होता है, जो आत्मा को मानता है, आत्मा के बारे में चर्चा करता है, वो आत्मवादी है। उन्होंने आत्मा के स्वरूप को लेकर के 13 बातों की चर्चा की है, मैं उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा संकेत मात्र देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इन 13 बातों को कहकर के आत्मा के स्वरूप को व्याख्यायित किया है। तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप तो
जो सिद्धों का स्वरूप है वही आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। वर्तमान में हमारी आत्मा जिसके अंदर में अनंत ज्ञान दर्शन आदि की शक्तियां तो है, लेकिन वे कर्मों के कारण से, हमारे ही अज्ञान और मोह से बंधे हुए कर्मों के कारण से आवृत हुई हुई है। इसलिए वर्तमान में हम उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए धर्म साधना आराधना आदि करते हैं। वे सारी आराधनाएं आत्मलक्षी ही कहलाती है। इसलिए केवल ये कहना कि ये सामायिक प्रतिक्रमण आदि जो धर्म आराधनाएं हैं ये कोई आवश्यक नहीं है, केवल आत्मा को देखना चर्चा करना इतना ही पर्याप्त है, तो ये हमारी भूल होगी। हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन सब क्रियाओं से, जिनको इन्होंने कहा है शुद्ध क्रियाएं, ऐसी शुद्ध क्रियाओं में, हाँ किसी क्रिया में कहीं पर किसी प्रकार का निदान नहीं होना चाहिए। निदान का मतलब है कि उसकी सौदेबाजी नहीं हुए कि मुझे ऐसा मिल जाएगा इसलिए मैं करूँ, वो क्रियाएं तो फिर वो तो धार्मिक क्षेत्र में आती ही नहीं है, इसलिए वैसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो कही गई है कि वे जो क्रियाएं हैं, वे क्रियाएं जो विधि उनकी बताई गई उसके अनुसार की जाए, तो वे हमारे जीवन में अध्यात्म को यानी आत्मा को ऊंचा उठाने में सहयोगी बनती है, मददगार बनती है। तो ये ऐसी जो बातें यहाँ पर बताई गई आत्मा को लेकर के, 20वें अध्ययन के अंदर में भी एक गाथा आई जिसमें कहा अप्पा मित्तम अमित्तम च सुपट्ठियो दुपट्ठियो, यानी आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना अमित्र यानी शत्रु है। अच्छे कार्य लगा हुआ आत्मा अपना मित्र है और बुरे कार्यों में यानी पाप प्रवृत्ति में लगा हुआ आत्मा जो है वो अपना शत्रु। तो हम अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाए, शत्रुता उसके साथ में हमारी न बढ़े, इसका हम ध्यान रखें। और वो ध्यान यही रखना है कि हम किसी भी प्रकार की गलत प्रवृत्तियों में अपने आप को न लगाएं, तो जिससे हमारा जो विकास है आध्यात्मिक विकास, आत्मा का विकास, वो निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा। तो ये आत्मा के स्वरूप को लेकर के उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर भी बहुत सारी चर्चा आई। दसवें कालिक सूत्र भी इस बात को, जहाँ कई तरह से जो बातें कही है उसमें, वहां पर पीछे चूलिकाओं के अंदर में कुछ गाथाएं ऐसी मिलती है, वहां कहा अप्पा संयम रखी अबू, आत्मा का सतत रक्षण करना चाहिए। मतलब रक्षण का मतलब जो आत्मा दुर्गति में पापाचार में पतन की ओर प्रवृत्त हो रही है उसको रोकना, ये संयम रखियो, किससे, इंद्रियों को सुसमाहित करके। वहां ऐसा कहा कि आप अपनी इंद्रियां जो अपने अपने विषय के साथ में जुड़ करके और कर्मों का बंद करती है, तो उन इंद्रियों के विषय से अपने आप को रोकिए और उसको रोककर आत्मा की रक्षा कीजिए। एक गाथा में यह भी कहा गया कि जे पूर्व रक्तावर रक्त काले संपे ही अपगमपयणम, जो अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को की संप्रेक्षा करता है, आत्मा को आत्मा से ही जाना जा सकता है, आत्मा को जानने का अन्य कोई भौतिक साधन नहीं हो सकता। ये चमड़े की आंख तो उसे देख ही नहीं सकती, और भी मन बुद्धि प्राण प्रकार का क्या हुआ, हेलो, ये भी किसी प्रकार से उसके लिए उपयोगी नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि हम अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा जाने, दूसरे कोई साधन उसमें काम नहीं करते। तो यह आत्मा को लेकर के इतना विस्तृत वर्णन, मैं समझता हूँ शायद आगमों को जब हम पढ़ें उस समय पर अगर इस तरह से करें कि एक विषय ले लिया हमने, जैसे आत्मा का विषय लिया, उसमें से सब जगह से उसका हम कलेक्शन करें कि आत्मा को लेकर के कहाँ कहाँ कौन कौन से शास्त्र में किस किस तरह का वर्णन आया है, तो आप अनुभव करेंगे, हम अनुभव करेंगे कि इतना सारा मैटर हमारे पास तो उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग विषयों को लेकर के अगर हमारा प्रयास रहता है, मैं सोचता हूँ कि हमारे अभी तो सारे ही स्वाध्याय इसमें जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र स्वाध्याय संघ के भी हैं, ऑल इंडिया स्वाध्याय संघ के, चेन्नई के, सभी स्वाध्याय इसमें है। और ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे स्वाध्यायियों का जो स्तर है वो बौद्धिक स्तर तो बहुत ऊंचा है, उस बौद्धिक स्तर का सदुपयोग कैसे हो, कि वो एक एक विषय को लेकर के कुछ रिसर्च जैसा काम हो गए और कुछ नई चीज लोगों को भी मिले और हमारे जीवन का भी कल्याण हो, हमको भी कुछ नई दिशा उससे मिलती है। हम जितना गहराई से चिंतन करते हैं, जितना आधार लेकर के चिंतन करते हैं आगमों का,
और आज तो हमारे सामने सब आगम प्राय करके हिंदी में उपलब्ध है, टीकाएं भी आ गई है सबकी, तो नियुक्तियां है, भाष्य है, चूर्णियां है, इतना इतना साहित्य हमको हमारे पूर्वाचार्यों ने दे दिया है। अब हमारी ड्यूटी है कि हम इनको कुछ क्रमबद्ध तरीके से समझें, इसका क्रम आना चाहिए, नहीं तो पढ़ते हैं जो किताब हाथ में आई पढ़ ली, और जो उपलब्धि आनी चाहिए, जो एक अंतर में आनंद का अनुभव होना चाहिए, जो एक सिस्टमेटिकली आगे बढ़ना चाहिए, जो सैद्धांतिक दृष्टि से परिपक्वता आनी चाहिए, उस परिपक्वता का अभाव आज स्वाध्यायियों में देखने को मिलता है। हम उसको दूर करें, हमारी परिपक्वता बढ़नी चाहिए, और यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, केवल मात्र उसके लिए क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन और मेहनत हमारी होनी चाहिए, और ऐसे शिविरों के माध्यम से भी हम उस कार्य में अपने आप को सफल बनाने वाले बन सकते हैं। तो हम ऐसा प्रयास करें कि हम क्रमबद्ध तरीके से, और एक एक विषय की है श्रम साध्य कार्य, लेकिन किए बिना कार्य नहीं हो सकता। आज हम जब अन्य लोगों को देखते हैं, हमारे पड़ोसी संप्रदाय के लोगों को देखते हैं कि जिन्होंने कितना विकास किया है, मुझे किसी की यहाँ पर कोई ज्यादा प्रशंसा करना या किसी को नीचा दिखाना ये लक्ष्य नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि हम प्रेरणा लेवे। आज कई ऐसी पुस्तकें आती है, पत्रिकाएं आती है, जिनके अंदर में एक एक विषय को लेकर के, संस्कृत के अंदर, प्राकृत के अंदर, वो छोटे छोटे संत वो ऐसे लिख करके देते हैं, इतने जिनके माध्यम से हमारे अंदर में त्याग वैराग्य की खूब अभिवृद्धि होती है, इतनी मेहनत होती है। हमारे यहाँ तो संस्कृतियों को लिखने की परंपरा नहीं है, पत्रिकाओं में उनके लेख वगैरह नहीं छपते हैं, ये हमारी आचार संहिता है, लेकिन हम स्वाध्यायी तो इसके लिए खुले हैं। हम स्वाध्याय शिक्षा पत्रिका यहाँ से निकालते हैं, उसके लिए लोगों को निवेदन करते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप एक एक विषय के ऊपर अपने विचार लिख करके दीजिए, कलेक्शन करके दीजिए, लेकिन फिर भी कोई विशेष लोग उसमें सहयोग नहीं करते। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको ऐसा सुंदर मौका मिला है, हम एक एक विषय को ले, एक अध्यात्म का विषय, इसको भी अब और कितना ही बढ़ाया जा सकता है। मैंने तो खाली चंद बातें आपके सामने जो भी ध्यान में आई वो निवेदन कर दी, लेकिन सिस्टमेटिकली तरीके से अगर हम एक एक आगम को लेकर के और इस दृष्टि से उसको देखते हैं तो हमको बहुत सारा मैटर मिलेगा। केवल मैटर ही नहीं, हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने की ताकत भी पैदा हो जाएगी। देखिए, ज्ञान की अपनी विशेष शक्ति होती है। हमारे पंडित मांडव गणेश जी हमेशा कहा करते थे कि ज्ञान एक बहुत बड़ी आराधना है, ज्ञान एक तपस्या है, कि व्यक्ति चार चार घंटे, पांच पांच घंटे एक आसन से बैठ करके जब ज्ञान आराधना करता है तब उसके कर्मों की निर्जरा तो होती है, लेकिन उसके अंतर में जो ज्ञान के स्रोत फूटते हैं, जो महापुरुषों की वाणी के साथ उसका जुड़ाव होता है, उससे उसका जीवन बदले बिना नहीं रहता। और हम देख सकते हैं कि जो गहराई से ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं उनके जीवन में आपको ऐसी विकृतियां नहीं मिलेगी जिससे आप उनकी तरफ अंगुली निर्देश कर सके। ठीक है, ग्रस्त जीवन की अपनी मजबूरियां हैं, इसके कारण से वे शायद कुछ ऐसे कार्य जो है जो घर गृहस्थ से जुड़े हुए हैं उनमें उलझ सकते हैं, लेकिन जीवन को तो न्याय नीति और प्रमाणिकता से आगे चलाने में वे कभी अपने आप को कमजोरी में नहीं आने देंगे। तो ये ज्ञान का अपने आप में प्रभाव है, हम उस ज्ञान के साथ में जुड़े। स्वाध्यायियों की विशेष नैतिक जिम्मेदारी है। आचार्य भगवंत तो हर समय पर यही फरमाते थे, वर्तमान आचार्य भगवंत भी बार बार इस बात को जोर देते हैं कि हमारे स्वाध्यायियों में से कुछ ऐसे स्वाध्यायी निखर करके सामने आने चाहिए जिनको हम खड़ा करें एक विषय के बारे में, कि इस विषय की कोई भी जानकारी आपको लेनी तो हमारा ये स्वाध्यायी है, आप इनसे चर्चा कर सकते हैं। आज स्पेशलाइजेशन का जमाना है, हम केवल मात्र सामान्य सा ज्ञान प्राप्त कर ले, कुछ बातें प्रदूषण में जाकर के लोगों को इधर उधर से इकट्ठी करके समझा करके आ जाए, ना खुद को संतोष होता है ना लोगों को संतोष होता है। ये वर्तमान समय में जो कंपटीशन का युग है, जहां पर लोग खूब आगे बढ़ गए हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं भौतिक क्षेत्र में भी, एक एक विषय को पढ़ाने के लिए लाखों रुपए लोग लेकर के, और अपनी बात को जिस तरीके से प्रस्तुत करते हैं लोग लाखों रुपए दे करके लाइन लगा करके वहां खड़े रहते हैं, और हमारी स्थिति ये कि हम लोगों को फ्री में देते देते भी लोग हमारी चीज को लेना नहीं चाहते। मतलब क्या, या तो हमारी चीज कमजोर है या हमारी पड़ोसने की शैली बराबर नहीं है, कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़े हैं, इसलिए हमारे सामने ये परिस्थितियां बनती है। तो हम ये शिविरों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से यही सामने लाना चाहते हैं कि आप कुछ स्वाध्यायी अगर इस तरह का कुछ हमारे सामने रखते हैं, समाज के सामने रखते हैं,
उन स्वाध्यायियों से बाकी को प्रेरणा मिलेगी और इस प्रेरणा के माध्यम से वे लोगों के सामने कुछ आदर्श रख सकेंगे। अपना जीवन तो अच्छा बनता ही है, अच्छी तरह से उनको भी प्रेरणा देते हैं। बाकी खुद का जीवन अच्छा नहीं है तो हम दूसरों को क्या प्रेरणा देंगे। इसलिए हम ऐसा प्रयास करें, ये इस शिविर का लक्ष्य ही ये रखा गया है कि हम सभी स्वाध्याय, केवल स्वाध्याय ही नहीं, जो आत्म प्रेमी है, जो धर्म प्रेमी है, वे लोग भी इसके साथ में जुड़े और थोड़ा चिंतन करें। ये सोचे कि भाई वीतराग भगवंतों ने हमें जो ज्ञान दिया है, वर्तमान युग में ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिल सकता। इतना प्रामाणिक ज्ञान कि जिसकी कोई किसी धर्म से तुलना नहीं हो सकती, इतनी प्रामाणिकता इसके अंदर है। ये वीतराग की वाणी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से भी जब हम देखते हैं, एक एक बातें सिद्ध होती है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो कैसी कैसी बातें हमारे यहाँ कही है। लेकिन वो केवल मात्र सीना चौड़ा करने से ही काम नहीं चलता, हम उसके साथ अपनी क्या आहुति देते हैं, हमारी आहुति उसमें जरूरी है। स्वाध्यायियों को विशेष रूप से उत्साह के साथ में जागृत होना जरूरी है और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई स्वाध्याय का साधन है तो वो है आगम। इसलिए हम आगम को लेकर के और जीवन कल्याण के सूत्रों की चर्चा इनमें जो आई है उनको भी देखेंगे, क्योंकि 7 दिन तक ये हमारी श्रृंखला चलने वाली है। लेकिन एक बार कम से कम हमारे मन में आगम के प्रति अहोभाव, श्रद्धा भाव जगे कि देखो वीतराग भगवंत, अगर एक मिनट के लिए कल्पना करें कि भगवान ये वाणी नहीं फरमाते, या भगवान तो फरमा देते, गणधर उसको सूत्रबद्ध नहीं करते, या गणधर भी सूत्रबद्ध कर देते, हमारे आचार्य उसको हम तक नहीं पहुंचाते, तो हमारा क्या होता। कभी गहराई से विचार करके देखें तो हम भी ऐसे ही भटकते जैसे लोग आज दुनिया में गली गली में भटक रहे हैं और धर्म के नाम पर कुछ भी करते हैं, हमारी भी वो स्थिति होती तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको ये वीतराग भगवंतों की पावन पवित्र निर्मल ऐसी शुद्ध विशुद्ध वाणी इस वर्तमान कलिकाल के पंचम आर्य में भी पढ़ने को, सुनने को और समझने को मिल गई है। और समझाने वाले गुरु भगवंत हमारे सामने है, अच्छे अच्छे स्वाध्यायी हमारे सामने है, हम क्यों नहीं उसका लाभ लेते, हम उसकी महत्ता को क्यों नहीं समझ पाते, ये तो विचारणीय प्रश्न है। एक जगह एक विद्वान ने इस जिनवाणी की महत्ता बताते हुए कहा था कि अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नय निक्षेपे बखानी छे, सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाभिमोक्ष चारिणी प्रमाणी छे, अहो राज चंद्र बाल ख्याल नथी पामताए, जिने स्वर तणी वाणी जानी तेने जानी छे। इस जिनेश्वर की वाणी तो जो जानता है वही जानता है, हर व्यक्ति नहीं जान पाता, कई चीजें चाहिए उसमें। लेकिन हम तो जिस पर ज्यादा जोर देते हैं वो है अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपना पुरुषार्थ, वो अपने हाथ में है। वो ज्यादा से ज्यादा समय के अनुसार करे, समझने का प्रयास करे, निश्चित रूप से जो भगवान से भी बढ़कर भगवान की वाणी है। आचार्य हेमचंद्र जी ने जो ये कथन कहा है अक्षरश सत्य है, वर्तमान में हमारे सामने इस भरत क्षेत्र में भगवान नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर की वाणी उपलब्ध है। एक एक तीर्थंकर की वाणी कितने लोगों को तिरा देती है, कल्पना करके देखे। भगवान ऋषभ देव जिनका आयुष्य तो केवल मात्र 84 लाख पूर्व का था, उसमें 83 लाख पूर्व तो ग्रस्त में ही निकल गए, केवल 1 लाख पूर्व जिसमें भी जो कम समय उनका केवल ज्ञान के बाद का रहा, लेकिन उनका शासन इतना लंबा चढ़ा, 50 लाख करोड़ सागर तक उनका शासन चला, असंख्यात पाटानुपाट लोग मोक्ष में चले गए। तो भगवान से बढ़कर भगवान की वाणी हो गई जिसने इतने लोगों को सिद्धालय का वासी बना दिया। हमारे सामने वर्तमान में शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी 72 साल की उम्र में हमारे बीच से चले गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। लेकिन वो जो पाठे हमको दे करके गए हैं, जो जिनवाणी का भाता दे करके गए हैं, वो इतना पावरफुल है कि हम आज भी इस पंचम काल में भी अपने जीवन को बहुत दिव्य भव्य और उच्च बना सकते हैं। ऐसी ताकत इस जिनवाणी के अंदर वर्तमान में भी है और उसका अनुभव आप हम सब करते हैं। जिसके पास जितनी क्षमता है उसके अनुसार करता है, आनंद तो उसमें आता ही है क्योंकि जिनवाणी का अपना आनंद है। कैसे हम जिनवाणी का स्वाध्याय करें, चर्चा करेंगे हम इन चीजों की कि कैसे हम उसके साथ में जुड़े। पहले उसके प्रति अहोभाव तो जगे,
ये जिनवाणी के बिना कोई व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सभी विषयों की चर्चा है। अगर कहीं पर अन्य जगह भी ये विषय मिलते हैं तो मानना चाहिए वो यही के हैं, इसी से जुड़े हुए हैं। वितरागियों की वाणी है, जिसको जहां से मिल जाता है वो लेकर के उसको अपने नाम से चला सकता है, लेकिन ये सत्य अहिंसा अस्तेय ये सार्वभौमिक सिद्धांत जो भगवान ने बताया जिनवाणी के अंदर, जिसकी विशेष रूप से प्रकल्पना की है, वो हमारे लिए बड़े उपयोगी है। हम उनके प्रति अहोभाव रखते हुए उसके साथ अगर जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन तो ऊंचा उठेगा ही। हम स्वाध्यायी होने के कारण से हम डबल भूमिका निभाते हैं। एक श्रावक केवल अपनी आराधना करता है, एक स्वाध्यायी अपनी भी आराधना करता है और लोगों को भी धर्म आराधना के साथ जोड़ता है। उस स्वाध्याय की भूमिका में हम है, हमको गुरुदेव ने वो स्वाध्याय की भूमिका में स्थान दिया है योग्य मानकर। हम कितने योग्य खड़े उतर हैं उस पर, ये तो या तो हम जानते हैं या परमात्मा जानता है, लेकिन हर स्वाध्यायी इस क्षेत्र में अपने आप को खड़ा उतारने के लिए कटिबद्ध हो जाए, संकल्पबद्ध हो जाए, तो निश्चित रूप से वर्तमान समय में जहाँ साधु साध्वियों की संख्या कम है, ऐसे समय में स्वाध्यायी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके और अलग अलग साधु, हम तो खुले लोग, खुले होने से हाँ हम हमारी धर्म आराधना में कहीं विकृति नहीं आने दें। जैसा आज भी आपने देखा होगा कि आज की इस मीटिंग के नीचे लिखा हुआ था कि भाई ये यंत्रों का प्रयोग है, इसलिए सामायिक और संवर की साधना नहीं करनी है। ये हमारी परंपरा है, हम सामायिक और संवर की शुद्ध आराधनाओं को दूषित न करें, वो हम शुद्ध रूप में ही करें, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां हमारे सामने ऐसी बन गई जिसके कारण से हमको इन साधनों के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का, भगवान की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का एक संघ ने ऐसा प्रयास किया है। तो ऐसे प्रयास हम अपने जीवन में तो करें, अन्य लोगों को भी इसके साथ में जोड़े, और जिनवाणी के साथ अगर हमारा नाता जुड़ता है, कई बार कहा जाता है जैसे हमारे यहाँ हम पाठ बोलते ना, अरिहंतो महदेव जावत जीवम सुसावणो गुणो जिन पन्नतम तत्तम ये समत्तम मे गयम। ये अरिहंत देव हैं, सुसाधु गुरु है और केवी प्रभु भी धर्म है, ये तो एक सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई मेरे जीवन में कब कारगर होगी, जब इसके साथ में मय शब्द जुड़ेगा, जिसको कहा ना अरिहंतो मह, मह कह दो या मय कह दो, महदेव मेरे देव हैं, हम उसको मेरा तो माने, हम तो अरिहंत देव बस ऐसा मानते हैं, अरिहंत देव तो तुम्हारे क्या काम आएंगे, इसलिए मेरे देव है, मेरे जहां मेरापन जुड़ जाता है वहां पर व्यक्ति उसके साथ में अपना सब कुछ शेयर करता है, उसके प्रति अहोभाव भी विकसित करता है। तो अरिहंत मेरे देव हैं, सुसाधु मेरे गुरु हैं, और अहिंसा प्रधान वितरागता के लक्ष्य से की गई जो आराधनाएं हैं वो मेरा धर्म है, वो मेरे साथ में अगर जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से मैं अपने जीवन को ऊंचा उठाने वाला बन सकता हूं। तो हम आगमों की महत्ता को समझें, आगम की महत्ता के बारे में जो मैंने अभी आपके सामने छंद गाया, जिसमें ये बात बताइए कि अनंत अनंत भाव भेदती भरेली भली, एक जिनवाणी के एक एक शब्द में अनंत अनंत भाव है। हम तो नंदी सूत्र पढ़ने वाले लोग हैं, नंदी सूत्र में स्पष्ट कहा है जिसके अंदर एक एक अक्षर में अनंत अनंत गम बताए वहां, गम यानी अर्थ। तो इतना महत्वपूर्ण हमारा ये आगम है, उन आगमों के एक एक शब्द में इतनी बातें रही हुई है, उसको समझने का प्रयास करें, इसलिए वहां महत्व बताया कि और कैसी है, नए और निक्षेपों से कही गई है। इस वाणी को सामान्य व्यक्ति इसलिए नहीं समझ सकता कि जिसको नए निक्षेप का ज्ञान नहीं है वो उसकी एकांगीपने को पकड़ करके और कहीं ना कहीं भटक सकता है। इसलिए कहा आगम का स्वाध्याय गुरु के सामने, गुरु की आज्ञा में या गुरु के निर्देश में करना चाहिए। स्वयं आगम पढ़ना एक तरह से खतरा मोल लेना भी कहा जा सकता है, बात कड़वी हो सकती है, लेकिन फिर भी कई जगह पर आगमों को ग्रस्तों को पढ़ने नहीं दिया जाता, उनकी अपनी सोच रही होगी, कुछ ना कुछ सोच तो है ही, क्योंकि ग्रस्त अपने हिसाब से न उसको कोई ये विवेक रहता है कि इसका किस तरह से उपदान किया जाता है, कौन सी तपस्या की जाती है, इसके शुद्ध उच्चारण कैसे किए जाते हैं, इसका अन्वय कैसे किया जाता है, फिर इसके पद का विग्रह कैसे किया जाता है, इसमें प्रश्न कैसे उठाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसके साथ में जुड़ी हुई है। हम उन चीजों की तो कोई बात नहीं करते, उसको नहीं समझते, और सीधे क्योंकि आगम की किताबें बहुत उपलब्ध हो गई, सरलता से उपलब्ध होगी। आज तो मान लो भीड़ लगी हुई है, जहां आपको एक चाहिए वहां 5-7 तरह के आगम मिल जाएंगे, ये सद्भाग्य ही मानना चाहिए अपना कि हमको इतनी सहजता से ये आगम मिल जाते हैं। माँ सती भाग्य प्रभा जी महाराज साहब कई बार फरमाती हैं
कि हमने ऐसा सुना है कि एक बार एक सती जी के को मालूम पड़ा कि अमुक अमुक आचार्य यहाँ गांव में पधारे हुए, उनके पास में भगवती सूत्र है, तो वो उनके पास गई और उनको कहा भगवान मुझे भगवती सूत्र के दर्शन करने, मैं देखना चाहती हूँ कि जिसमें भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने 36,000 प्रश्न किया ऐसा वो भगवती सूत्र है क्या, मुझे उसके दर्शन तो करा दो। कोई जमाना ऐसा था और आज ऐसा है कि आप एक मांगो तो चार मिलते हैं और उनको संभालना मुश्किल होता है। ये प्रकाशन का युग बहुत बढ़ गया है, इसलिए हमको ये चीजें बहुत सहजता से उपलब्ध हो रही है। हम इनकी वैल्यू करना सीखे, इनकी महत्ता को अगर हम समझ लेते हैं तो हमको लगेगा नहीं सही में एक एक ग्रंथ के अंदर, एक एक शास्त्र के अंदर कितनी गहरी बातें हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती है। लेकिन उनको समझने के लिए गुरु गम यानी गुरु का सानिध्य चाहिए, गुरु की जो दृष्टि है, जो विधि है, जो वो हमको बताते हैं हमारी योग्यता को देख करके, उसके बिना आगमों को यूं पढ़ना ये सही में अपने आप में बहुत बार जो है वो नुकसानदेह भी हो जाता है। इसलिए हम ऐसा प्रयास करें जब भी गुरु भगवंतों की सेवा में जाएं उनको निवेदन करें भगवान मेरी योग्यता ये है, मैं शास्त्र स्वाध्याय करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, कैसे करूँ, क्या मार्गदर्शन है, वो मार्गदर्शन देवे और उस मार्गदर्शन है और उसकी जो विधियां दी गई है उसको समझ करके करते हैं तो निश्चित रूप से आज्ञा की आराधना के साथ में किया गया आगम का स्वाध्याय हमारे जीवन में परिवर्तन करने वाला बनता है। इसलिए वैसा भी हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो हम इन आगमों की महत्ता को जिसमें उसको समझने के लिए नए और निक्षेप अपने आप में जैन दर्शन की एक विशेष जो पद्धति है उसको भी समझने का प्रयास करें। अनेकांतवाद, शादवाद, सप्तभंगी ऐसे विस्तृत विषय है जो टीका ग्रंथों के अंदर विस्तार से जिनका वर्णन किया गया है उनकी भी चर्चाएं होती है, तो भी उनको समझने की कोशिश करेंगे तो जिनवाणी के हार्द को हम पकड़ने वाले बनेंगे। अन्यथा ऊपर ऊपर से अगर हमने पढ़ भी लिया तो वो इतना न तो हमको समझेगा और नहीं समझने के कारण से फिर जीवन में न परिवर्तन होगा न श्रद्धा में कोई दृढ़ता आ पाएगी। इसलिए कहीं हमारी श्रद्धा इधर उधर डगमगाने जाए, इसलिए हम आगम का जो तरीका है उस तरीके को विशेष रूप से समझने की कोशिश करें कि कैसे आगम का स्वाध्याय किया जाता है और उस अनुसार अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में उपलब्धि प्राप्त होगी। हम ऐसा प्रयास करें, पूर्वाचार्यों ने खूब मेहनत की है, एक एक ग्रंथ के ऊपर इतनी टीकाएं, इतने ग्रंथ हमारे सामने वर्तमान में उपलब्ध है कि जिनको जब पढ़ते हैं देखते हैं तो लगता है कि कितना पुरुषार्थ किया है उन लोगों ने, एक एक बात को खोल करके रख दिया। आगम में तो केवल मात्र हमें एक एक शब्द मिलेंगे, उन शब्दों के अर्थ, उनकी व्याख्या, उनका विस्तार, वो सारा कहाँ से आए, वो सब हमारे पूर्वाचार्यों ने हमको दिया। इसलिए हमारे यहाँ पढ़ने की पद्धति में एक बात कही जाती है कि सबसे पहले सुत्तत्थो खलु पढ़मो, नंदी सूत्र की गाथा कहती है सूत्र को अर्थ सहित सबसे पहले पढ़ना चाहिए। कोई समय ऐसा था विशेष आवश्यक भाष्य के अंदर वर्णन आया कि 12 साल तक तो व्यक्ति को केवल मूल सूत्र पढ़ाना चाहिए और उस मूल ही सूत्र में उसको जो है जैसे उदाहरण दिया वहां थका हुआ बैल, उसको जो कुछ भी डालेंगे वो खा जाएगा, अच्छा है कि बुरा है, लेकिन जब बैठकर जुगाली करता है तब वो उसका आनंद लेता है, उसका रस बनता है। इसी तरह से प्रारंभिक अवस्था में हम अगर मूल शास्त्रों को भी हमारे गुरुओं के निर्देशन में पढ़ लेते हैं, अर्थ नहीं भी समझता है तो बाद में उसको समझा जा सकता है, लेकिन पहले सूत्र और यानंदी सूत्र कहता है कि अर्थ के साथ अगर कर लिया जाता है तो वो ज्यादा टिकाऊ होता है। फिर कहा बीजो निज्युति मिस्यो, उसके बाद उसकी नियुक्ति यानी उसकी टीकाएं, उसके माध्यम से उस शब्द का क्या अर्थ है, कितने प्रकार से उसको समझा जा सकता है, निक्षेप की पद्धति से वो पढ़े। और फिर कहा तय्यम निरवशेषम, फिर इसके बाद में उसका पूरा जो जो भी उसका वर्णन मिलता है, जहां जहां भी मिलता है, उस सारे को देख करके और उसको पढ़ने का प्रयास करें। ये पद्धति है नंदी सूत्र के आधार पर पुरानी शास्त्रों को पढ़ने की। तो हम भी शास्त्रों के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले लोग हैं तो कहीं ना कहीं उस पद्धति के साथ में जुड़े और उसके जो भगवान ने कहा है, जो आचार्यों ने हम तक पहुंचाया है, उसका अच्छी तरह से पारायण करके और अपने जीवन में आनंद तो लेवे ही, लेकिन स्वाध्यायी होने के नाते जन जन में उस बात को पहुंचाने का प्रयास करें और स्वाध्याय को जीवन का अभिन्न अंग बना करके चलेंगे तो ही यह संभव है। प्रतिदिन का जीवन में घंटे दो घंटे का स्वाध्याय इस प्रक्रिया के अंदर जुड़ता है। केवल मात्र 10-15 मिनट का कभी कभी समय मिला तो कर लिया, उससे व्यक्ति इतनी उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो वरिष्ठ स्वाध्यायी, विशिष्ट स्वाध्यायी है, उनसे तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा
कि वे अपने समय का सदुपयोग स्वाध्याय में अधिक से अधिक करें, और जिनके पास अच्छी बुद्धि है, अच्छा क्षोभसम है, अच्छा सहयोग है, अच्छे साधन है, वे अपने इन साधनों का सदुपयोग करें, इस कार्य में लगावें और उसकी व्यवस्था करें। बच्चों को पढ़ाने के लिए दूर दूर लाखों रुपए खर्च करके भेजने की व्यवस्था हम कर सकते हैं, तो हमको खुद को अगर भगवान की वाणी के साथ में जुड़ना है, उसको समझना है, तो कोई ना कोई व्यवस्थाएं तो मिली जाती है। ऐसी व्यवस्थाओं को अगर अंतर से हमें सीखने की लालसा है तो व्यवस्था होते देर नहीं लगती। ये तो सब बहानेबाजी रहती है, हमारी हिसाब कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता, शिविर नहीं लगते, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। ठीक है, ये समस्याएं भी अपने आप में हो सकती है, लेकिन जो चाहता है, जहां चाहा है वहां रहा है, ये बात जिन्होंने भी कही है वो अनुभव की बात है। इसलिए हम अपनी चाह को इतना बढ़ावे, इतना बढ़ावे कि बस उसके लिए रास्ते स्वतः खुलने लग जाए, ऐसी अंतर में हमारे अंदर प्रेरणा और भावना जाग जाए, हम ऐसा प्रयास करें। आज पहला दिन, शिविर का पहला दिन है, हम उस पहले दिन में सबसे पहला कार्य आगम के प्रति भक्ति जगाएं। आगम हमारे लिए सर्वोपरि है, जैसे देश का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सर्वोपरि होता है, उसी तरह से हम जैनों के लिए हमारा संविधान आगमों के अंदर निबद्ध है। उसको हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा क्या करनी है, क्या अकरनी है, क्या हे है, क्या गे है, क्या उपादेय है, ये सारा ज्ञान उसी के माध्यम से मिलता है। तो हम आगम को हमारा जीवन कल्याण का सर्वोपरि साधन मान करके और उसके साथ में अपने आप को जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन दिव्य और भव्य बने बिना नहीं रह सकेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ में, समय की अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा में ही अपनी बात कहनी है, तो मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा। अगर किसी को इस संबंध में कोई जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा की चर्चा की जा सकती है, बाकी तो है? हाँ, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और उसके बाद में बात हो सकती है। नेहा जी छाजेड़ अपना प्रश्न पूछे। नेहा जी छाजेड़ नेक्स्ट। वैशाली जी लुनिया आप अपने आप को अनम्यूट करें। सादर जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर घर पे आगम बांधने करना है और संत सती हमारे यहाँ पे भी राजित नहीं है तो हम किसकी आज्ञा लें? आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही मेरी? हमें आगम वाचन करना हो घर पे और संत सती अगर विराजित नहीं है गांव में तो हम आगे कैसे लें? उनको अनम्यूट किया है, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, हम जहां भी गुरु भगवान विराजमान है, जो आप जिनके प्रति विशेष समर्पित है, श्रद्धावान है, उनके पास जाकर के एक बार तो कम से कम उनकी आज्ञा लेकर के, उनका मार्गदर्शन लेकर के ही आगम पढ़े तो अच्छा रहे। हाँ जी, मुझे कि आगम में जो नौवा उसका अर्थ उसका व्यवहार उसका पर्यायवाची शब्द क्या है आगम का? नम्मा पर्यायवाची शब्द नौवा बताया था, प्रज्ञापना। आठवां इस तो प्रज्ञापना है, आठवां प्रज्ञापना, फिर उसके पहले जो बताए ना एक आगम तो है ही और नो और बताए थे। हाँ, नौवा कौन सा है? एक बार रिपीट कर दीजिए सर। एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप उसको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला जो है वो है सूत्र, श्रुति, ग्रंथ, सिद्धांत, शासन, वचन, उपदेश, आज्ञा, प्रज्ञापना और आगम। आगे ध्यान में आपको जय जिनेन्द्र। छठा क्या है? जय जिनेन्द्र। हाँ सर बोलिए। छठा नंबर क्या बताया था सर आपने?
हाँ, छठे नंबर पर आप देखिए पांच सिद्धांत, शासन के बाद वचन, वचन या प्रवचन जिसको कह सकते हो आप, वचन, फिर उपदेश, फिर आज्ञा, प्रज्ञापना और आगम। जी सर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सर। भगवती सूत्र और के आजकल क्लास हो रही है तो वो पढ़ने में तो कुछ आज्ञा नहीं लेना पड़ता है ना? भगवती सूत्र का? हाँ, आज्ञा तो सबकी लेनी पड़ती है। पर अगर ऐसे कोई टीचर और पढ़ा रहे हैं तो पढ़ सकते हैं? वो टीचर भी अगर आज्ञा लिए हुए हैं तो पढ़ सकते हो। बाकी तो क्या है, फिर उसका अर्थ, उसका विवेचन उस तरह होना चाहिए ना, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, दृष्टि बदल सकती है, इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। सर आदिनाथ, सर आदिनाथ भगवान का बताइए ना। आदिनाथ भगवान का 83 लाख तो 43 लाख पूर्व तो ग्रस्त में रहे थे। हाँ। और 1 लाख पूर्व, हाँ 1 लाख पूर्व जो है ना उनका साधु जीवन था, जिसमें 1000 फुट का उन्होंने ये जो है छद्मस्थ अवस्था में रहे और उसके बाद बाकी का समय केवल ज्ञान हुआ उनको, तो 1 लाख उनका साधु जीवन। जी एक और है, भगवती सूत्र में आपने 36,000 प्रश्न किसने किससे पूछे? गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम आदि गणधरों ने भगवान महावीर को पूछे, मुख्यतः गौतम स्वामी के लिए। जी जी थैंक यू सर। हाँ बोलो सर। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। बोलो बोलो। पढ़ने फायदा तो नहीं है, है? हिंदी अर्थ जिनसे अपन पढ़ते हैं तो वो कभी भी पढ़ सकते हैं ना? हाँ हिंदी अर्थ पढ़ सकते हो, हिंदी अर्थ में बाधा नहीं है, मूल की बात है ये सब, मूल के लिए। वैसे ध्यान रखना चाहिए, अगर मैं तो दिन में पढ़ना चाहिए। हेलो, पढ़ते हैं क्या पंखे में कर सकते? नहीं ऐसा है, लाइट वगैरह में तो ऐसा है, आप बिना सामयिक के, बिना संवर के, और अगर आपकी मजबूरी है, दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो वो एक अलग परिस्थिति होती है, ऐसा स्वाध्याय किया जा सकता है, लोग करते हैं। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। हेलो। हाँ सर, जय जिनेंद्र। आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। सर आपने आध्यात्म की 3 कसौटी बताई थी, प्लीज एक बार रिपीट करना ना। सर का भी म्यूट हो चुका है, एक मिनट रुकिए, उनको अनम्यूट कर लेते हैं। अध्यात्म में जो 3 बातें आपके सामने बताई गई थी, उसमें पहली थी मोह का आधिपत्य समाप्त होना। हाँ। मोह का आधिपत्य यानी मोह का साम्राज्य वो समाप्त होने, दूसरा आत्म केंद्रित होने। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, है? आपकी क्लियर आवाज नहीं है। आवाज क्लियर ही बोल रहा हूँ, बोलने कभी भी नहीं। देखो मोह का साम्राज्य समाप्त करना, आई आवाज? हेलो, आई क्या आवाज आपको? हाँ आ रही सर। हाँ, और दूसरा हो गया फिर आत्म केंद्रित, और तीसरा शुद्ध क्रियाएं, ये 3 चीजें बताई थी अध्यात्म के लिए, 3 चीजें। जिनेंद्र सर। हाँ साहब फरमाइए। आत्म केंद्रित और क्या बताया? किसी पढ़ सकते क्या? हाँ, एक जना बोलो। सुख विपाक और नंदी जी अपन पढ़ना है घर पे तो पढ़ सकते क्या? वही बताया ना, वो कोई भी शास्त्र सूत्र एक बार गुरु आज्ञा जरूर ले लेनी चाहिए। हाँ गुरु से सीख लिया है वो, एक बार गुरु, हाँ एक बार गुरु से पढ़ लिया है फिर पढ़ सकते क्या घर पे? नहीं उसके बाद पढ़ सकते हैं, पर शुद्ध उच्चारण का ध्यान रहना चाहिए, काल अकाल का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी स्वाध्याय में नहीं पढ़ना चाहिए, ये बातें बराबर ध्यान रख करके करेंगे तो वो फायदा करेंगे। हाँ हाँ सर, धन्यवाद। मौका क्या बताया आपने?
मोह का तीसरे क्या होता है सर? मोह का तीसरे क्या होता है? मोह का शुद्ध क्रिया, शुद्ध क्रिया। थैंक यू सर। हाँ जी जय जिनेन्द्र। जय जी। कोई बोलते हैं कि नौ गाथा तक अपन अगर स्वाध्याय असाध्याय नहीं देखे तो चलता है? हाँ, ये अलग अलग पढ़ने हैं। स्वाध्याय का मतलब क्या है कि जहाँ जैसे अपन करते हैं ना कि पहले प्रेयर में, दूसरे प्रेयर में, फिर जब स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय पर ऐसा कालिक सूत्र का स्वाध्याय नहीं होता है, तो उसमें अगर ऐसी कुछ गाथाएं और उसमें भी लिंक बद्ध नहीं करे तो चल जाता है। लेकिन चार संध्याएं तो हमेशा ही पालना चाहिए। चार संध्याओं में कभी भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम और मध्य रात्रि को, वो तो टालना ही चाहिए। हाँ, याद करने में भी चार संध्या तो टाल ही दीजिए। चार संध्या टाल के फिर, हाँ, बाकी के टाइम में कर सकते हो, कालिक को भी कर सकते हो, जो कालिक सूत्र जैसे याद करने में बाधा नहीं रहेगी, लेकिन चार संध्या तो टालनी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जी। हाँ, अभी यदि हमको उत्तराध्ययन का एक अध्ययन याद करना है और अभी लॉकडाउन के समय में हम गुरुदेव से आज्ञा नहीं ले सकते तो हम अभी याद कर सकते हैं क्या सर? हाँ, अब आप नया चालू कर रहे हैं तो किसी, मान लो गुरुदेव की आज्ञा नहीं है आपको, नहीं तो मंदिर स्वामी की आज्ञा से हम कर सकते हैं क्या? नहीं, उसमें क्या है, हाँ, संसतियों की आज्ञा भी हो सकती है, कोई समझदार या जिनको अच्छे शुद्ध उच्चारण वाले श्रावक श्राविकाएं उनसे पाठ लिया जा सकता है। गलत नहीं होना चाहिए, विधि के अनुसार काम होना चाहिए। ये हमारी परिस्थिति ऐसी है तो हम उस रूप में कर सकते हैं, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा सर। हमें की दो गाथा दे देना ना सर की। हाँ ठीक है, अभी तो आगे से देख लेंगे। संध्या काल कैसे समझ में आएगा? मतलब संध्या काल जो प्रतिक्रमण का काल है ना, सुबह शाम को, वो संध्या काल है, और दोपहर में और मध्य रात्रि में जो मध्य का समय है वो ले लेना। जैसे जो जो दो प्रहर जाने के बाद में जो थोड़ा समय इधर का लेना, 24 मिनट आगे का लेना, ऐसा मध्य काल ले लेना। प्राय करके तो जैसे 11:30 से 12:30 का समय, ऐसा समय, ऐसे ही रात्रि का समय वो निकाल लेना, और दोनों टाइम प्रतिक्रमण का जो समय रहता है वो, इसमें स्वाध्याय काल है। सर ये जो बताया ना भगवती सूत्र में गौतम स्वामी ने 36,000 प्रश्न पूछे, तो सर ये कौन से आसन में पूछे थे भगवान ने? गौतम स्वामी कौन से आसन में बैठते थे? कौन से आसन से? जी ये तो है ना, अलग अलग पूछे हुए हैं, एक साथ के नहीं है सब, कभी किसमें बाकी तो वो बैठते थे ऐसे उकड़ू आसन में, दोनों पाओ के जैसे अपन वंदना करते हैं ना त्रिकुटों के नीचे, तो सर दोनों हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, और उस आसन में बैठते थे प्राय करके। तो सर अपने को भी वैसे ही पढ़ना चाहिए क्या? हाँ, वैसे गुरु भगवंतों के पास में अगर कभी प्रश्न पूछे तो इस तरह से ही पूछने की विधि है। उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन में बता रखा है वो, हम दिया संतो पुछी जा पंजली उड़ो। हाँ जी, शिविर चल रहा है, शिविर शिविर खत्म है, प्रकाश जी के प्रवचन शिविर में जो है वहाँ पे आपके प्रश्न आंसर चल रहे हैं। जय श्री अंकल, आवाज आ रही है। हम कौन प्रश्न पूछना चाहते हैं जिनके हाथ खड़े हैं? डॉक्टर करिश्मा जी, हम आपका हो गया। जय जी अंदर सर बोलो। हाँ, अगर हम आज्ञा पढ़े लेकिन किसी की आज्ञा नहीं है, कुछ लगता है क्या फिर उसमें? अगम के आज्ञा पढ़े लेकिन गुरु भगवान की आज्ञा लेके भी ना पढ़े थे तो भी दोष लगे? तो उसको उसका प्रायश्चित लेकर के आगे ध्यान रखें। हाँ जी, आवाज नहीं गई। हेलो आज्ञा भी पढ़े तो भी लेना पड़ता है क्या? हेलो, हाँ, आज्ञा में ही होना चाहिए। अगर गलती से कभी हुआ है तो उसका प्रायश्चित लेकर के, शुद्धिकरण करके और गुरु भगवंतों के पास ही करें।
ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी बाकी ये पांच क्वेश्चन है उनके पूछ लीजिए। जया जी मधुबाला जी शादी बोलो सर। दिनेश जी साबद्रा। दिनेश जी साहब दिनेश जी साबद्रा पूछ रहे हैं क्या? नहीं तो फिर हो गए। ये जया जी मधुबाला जी लोड़ा इनका हो गया ओप्पो A3 शादी। हाँ हो गया। चलिए सबसे धन्यवाद। एक प्रश्न आया यस जैन कोई है करके उनके नाम से भी आया है। जय जिनेंद्र सा। हाँ एक प्रश्न है एक मिनट। आई एम नॉट स्वाध्यायी स्टिल आई कैन अटेंड दिस 8 डेज सेशन। बोल हाँ कर सकते हो साहब। यहाँ तो स्वाध्यायियों को तो मुख्यता दी है बाकी तो सुनने के लिए हमने सब लोगों को निवेदन किया है। जो भी आगम प्रेमी है थोकड़े प्रेमी है जिनको भी पढ़ना है सीखना है हमारा लक्ष्य तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए भगवान की वाणी के साथ जुड़ने चाहिए इसलिए आप आराम से इसमें भाग ले सकते हैं। हाँ फिर आगे आप स्वाध्याय बन करके अपनी सेवाएं दे सकते हो। एक सर एक प्रश्न आया था हिंदी अर्थ पढ़ने में भी काल अकाल का ध्यान रखना पड़ेगा क्या ऐसा कुछ? नहीं हिंदी अर्थ में तो काल अकाल की बात नहीं मूल की मूल के लिए ये करना अपनी किताबों में लिखा है वैसे ये जो है स्वाध्याय बताइए ना उसमें दिया हुआ भाई हिंदी अर्थ तो पढ़ा जा सकता है स्वाध्याय में उसी को टालना है मूल को। ठीक है आया वाई लोया वाई कम्मा वाई इसका सीरियल वापस से बता दीजिए प्लीज। आया वाई लोया वाई कम्मा वाई किरिया वाई। आभार सर। जय जिनेंद्र सर। हाँ जी उवाई सूत्र की 22 गाथाओं का हिंदी रूपांतरण चाहिए मुझे। यहाँ मेरे पास बुक नहीं है उसके हिंदी रूपांतरण चाहिए। मिल जाएगा वो तो आपको उगवाई की 22 गाथाएं जो है ना उगवाई सूत्र के अंदर दे रखा है उसका आपका नाम बता दो। मधुसुराना हम भिजवा देंगे आपको। चैट बॉक्स में डाल दीजिए आप अपना फोन नंबर और नाम। ठीक ठीक दिनेश जी पूछना चाहते हैं। हाँ बोलो। मैं पूछना चाहती हूँ जब हमको आगम लर्न करने के लिए लेना है सीखने के लिए तो सबसे पहले कौन सा आगम करना चाहिए? अब ऐसे आगम के लिए दसवें कालिक सूत्र को करने की बात बताते हैं गुरु भगवान पहले पहले दसवें कालिक का जो है वो चालू कीजिए 4 अध्ययन कम से कम हो जावे तो अच्छा है उसके बाद में फिर दसवें कालिक पूरा नहीं भी हुए तो उत्तराध्ययन सूत्र वगैरह लिए जा सकते हैं पहले दसवें कालिक की बात। और मैं पूछना चाहती हूँ आपके दोपहर के जो क्लासेस चल रहे वो भी हम अटेंड कर सकते हैं क्या स्वाध्याय नहीं है तो भी? हाँ कर सकते हो ना तो हमने सभी के लिए वही है ये भी क्लास वो भी आपको अगर वो इंटरेस्ट है उसमें समझ आ रहा है तो आराम से कीजिए समझने की कोशिश कीजिए अच्छा है उसमें भी आप जुड़िए। जय जिनेंद्र अंकल। जी जय जिनेंद्र। हाँ जी 700 गाथा की स्वाध्याय करने से एक उपवास का लाभ होता है? नहीं 700 का नहीं है हमारे यहाँ तो 2000 गाथा का माना जाता है 2000 गाथा का स्वाध्याय करे तो एक उपवास के बराबरी का प्रायश्चित उतरता है। काउंटिंग काउंटिंग कैसे करना अंकल? काउंटिंग जैसे पूरा उत्तराध्ययन सूत्र है ना हाँ। उसकी 2000 गाथा मानी जाती है पहले से लेके 36 अध्ययन तक की तब एक उपवास बराबरी आती है उसकी 700 में नहीं आती। एक नंदी एक नंदी में एक नंदी फिर एक नंदी हाँ एक नंदी में पूरा एक नंदी में तो 700 ही है पूरा उत्तराध्ययन सूत्र आना चाहिए एक दिन में तो संभव नहीं होता है इतना। हाँ तो ठीक है ना आप वो तो जैसे जमे वैसा करो उसमें कोई बात नहीं है। एक महावीर जी बोथरा जलगांव से प्रश्न है आगम का सिर्फ हिंदी अर्थ वाचन करना हो तो भी आज्ञा लेनी चाहिए क्या? हाँ आगम का तो कोई भी आगम को आप पढ़ते हो ना तो आज्ञा तो ले लीजिए आप क्योंकि आप आज्ञा में रह करके काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो देखो
आप सामायिक करते हो ना, तो क्या बोलते हो, कड़ेमी बनते सामायम, हे बनते कड़ेमी बनते, हे भगवान मैं सामायिक करता हूं, तो भगवान की आज्ञा से सामायिक कर रहे हो आप। इसलिए भगवान की आज्ञा लेकर के, गुरु की आज्ञा लेकर के ही कोई भी कार्य चालू करना चाहिए, चाहे हिंदी में करो तो भी। एक नवीन विनय जी मेहता का प्रश्न आया हुआ है, कालिक सूत्र को अस्वाध्याय काल छोड़कर हर समय याद कर सकते हैं क्या? हाँ, कालिक सूत्र को याद तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो चार संध्याओं का जो है वो छोड़ दो, बाकी समय में कर सकते हो। स्वाध्याय नहीं करना उसका अकाल में, यानी जैसे दूसरे प्रयोग में तीसरे प्रयोग में स्वाध्याय नहीं होता उसका, याद तो किया जा सकता। हाँ साहब, हो गया सबका? ठीक है साहब, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खूब समय दिया अपना इसमें, और आगे आपके कोई सुझाव हो तो भी आप जरूर दीजिए। सभी जनों ने प्रश्न आदि पूछे, सभी जनों ने अच्छे तन्मयता से संगोष्ठी को सुना। आदरणीय प्रकाश जी सर, जो स्वयं हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने खुद स्वयं ने हमको पढ़ाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने सभी का मार्गदर्शन किया, हम लोगों का मार्ग प्रशस्त किया, हमारे अंदर आगम वाणी के प्रति जो प्रगाढ़ श्रद्धा हो सकती है वो श्रद्धा किस प्रकार से हो, किस प्रकार आगम का अध्ययन किया जाए, पहले कौन सा आगम लेना चाहिए, किसकी आज्ञा लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, आज्ञा में ही धर्म में, इस प्रकार हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करने वाले आदरणीय श्री प्रकाश जी सेन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और आप सभी शिविरार्थियों को भी हम धन्यवाद देते हैं, आप कल की आदि क्लासेस जो है उनमें आराम से समय से ज्वाइन होइए, और सबसे निवेदन है कि आप पेन कॉपी लेकर के बैठे, ताकि आपके पास में कोई कुछ चीज नहीं सुनने में आती है तो आप लोग आराम से उसको लिख सकते हैं, ताकि आगे आप लोगों का ज्ञान आदि बढ़ता रहेगा। सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद। और अपना वीडियो भी ऑन रखे। हाँ, सभी जन अपना वीडियो ऑन रहे। हाँ जी, सामने है, मशीन को नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, ओके, सादा जय जिनेंद्र। इसको कौन करता है?